प्रयागराज में संगम तट पर स्थित बड़े और लेटे हनुमान जी को माँ गंगा ने स्नान करा दिया है। गंगा का पानी देर रात 11:15 पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। मंदिर के महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ हल्दी दूध मद घी आदि पंचमी सामग्री से पूजन कर माँ गंगा का स्वागत किया। इस मौके पर प्रयागराज के SSP शैलेश पांडे भी मौजूद रहे। इसी के साथ मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया। बलबीर गिरी जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि गंगा जी द्वारा हनुमान जी को स्नान कराना राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है। कोई भी विपदा भारत पर नहीं आई है। भारत देश में जो भी समस्या है वह खात्मा होगा, साथ ही देश उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। त्रिवेणी बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर का देश ही नहीं विदेशों में भी महत्व है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहां आकर श्री हनुमान के चरणों में शीश जरूर नवाते हैं। 12 वर्ष में होने वाले कुंभ मेला, 6 वर्ष में होने वाले अर्धकुंभ और प्रत्येक वर्ष माघ मेला में आने वाले स्नानार्थियों की भीड़ इस मंदिर में सुबह से शाम तक पूजन अर्चन के लिए जुटती है। वैसे भी वर्ष भर यहां भक्त आते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गंगा जल मंदिर में प्रवेश कर गया, जिससे लेटे हनुमान जी ने स्नान कर लिया। इस दौरान हर तरफ जयकारे गूंजने लगे। माँ गंगा की विशेष आरती पूजा की गई। गंगा यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से मंदिर के महंत सहित भक्तों को भी आस लगी थी कि गंगा का जलस्तर बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर कब आए और बजरंग बली को स्नान कराएं। यह संभावना जताई जाने लगी थी कि देर रात तक गंगा जल मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि पानी का वेग अधिक होने के कारण 11 बजे पानी आगे बढ़ने लगा। यह देखकर विशेष आरती पूजा मंदिर के महंत द्वारा शुरू की गई। जैसे ही सीढ़ियों से माँ गंगा ने गर्भगृह में प्रवेश किया, हर तरफ जयकारे गूंजने लगे। माँ गंगा की जय, बजरंग बली की जय और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हनुमान मंदिर के दरबार में गंगाजल के प्रवेश करने के बाद प्रतिमा के ऊपर सफ़ेद चादर बिछा दी गई। बार रहने तक बड़े हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन का क्रम बंद रहेगा। भक्तों के दर्शन के लिए बजरंग बली की छोटी प्रतिमा बाहर रख दी गई है। जैसे जैसे माँ गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रतिमा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यहीं से भक्त दर्शन कर फ्री प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मान्यता है कि माँ गंगा जब भी लेटे हनुमान जी को स्नान करती हैं, तब उसे मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि उस वर्ष यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा है, लेकिन गंगा का पानी आज संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर में जरूर प्रवेश कर गया है। गंगा की बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में आते ही यहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया। पौराणिक महत्व वाला यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी आराम की मुद्रा में लेटकर अपनों भक्तों को दर्शन देते हैं। आमतौर पर लोग बाढ़ के पानी का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। बाढ़ की तबाही के मंजर के बारे में सोचकर ही सिहर उठते हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में ऐसा नहीं होता। यहां के लोगों को हर साल गंगा में इतनी बाढ़ का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें संगम किनारे पौराणिक महत्व वाला लेटे हुए हनुमान जी का इकलौता मंदिर गंगा की इस बाढ़ में समा जाए। गंगा जी हर साल बजरंग बली के इस मंदिर तक नहीं पहुँचती, लिहाजा बारिश का सीजन शुरू होते ही प्रयागराज के लोग संगम पर यज्ञ, पूजा अर्चना और आरती के जरिए गंगा जी से हनुमान मंदिर तक आने की प्रार्थना करते हैं। गंगा और यमुना दोनों के ही जलस्तर में अचानक तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। मौजूदा समय में 7 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा और 6.35 सेंटीमीटर की रफ्तार से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी धीरे धीरे घुसने लगा है। हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। स्नान कराया है, क्या महत्व है, किस तरह के विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है, उसका महत्व क्या है कि यहाँ पर हर वक्त लेते हैं हनुमान जी? सबसे पहले तो माँ भगवती गंगा को प्रणाम। माँ गंगा मैया ने ये अवसर दिया, आज जो जन्माष्टमी कुछ समय के अंदर जन्माष्टमी लगने वाली है, तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन चयन किया गया यहाँ पर, और आज हनुमान जी महाराज को स्नान की स्थिति में ले आई माँ भगवती गंगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन को हम बड़े भाव के साथ, भाव विभोर होकर माँ भगवती का स्वागत करते हैं। आज के दिन हम जो गंगा मैया वैदिक परंपरा के अनुसार जो वैदिक पद्धति होती उन्हें उसी के अनुसार हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। आज के खासकर माँ भगवती का स्वागत हमने दूध, दही, शहद, घी, जो पंचोपचार होते हैं, जो षोड़ोपचार जो हम कहते हैं, उस पूजा के अनुसार हम माँ भगवती का स्वागत किया। तत्पश्चात पहले सबसे पहले हमने माँ भगवती की आरती उतारी। आरती उतार के सारी क्रियाएँ जो प्रक्रियाएँ वो सब की है हमने,
और ये आपके सामने के हनुमान जी महाराज स्नान करके विश्राम अवस्था में अब जा रहे हैं। नगर कोतवाल कहे जाते हैं, हर वर्ष यहाँ पर गंगा जी आती हैं, तो क्या किस तरह की मान्यता है? ये आप देख लीजिए कि कोई भी कोतवाल जो रखवाली करता है किसी क्षेत्र की, तो वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो इस अवसर पर देखिए माँ भगवती गंगा उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी महाराज का स्नान कराती है। तो जो हनुमान जी महाराज यहाँ कोतवाल बने हुए हैं, आज माँ भगवती उन्हें शयन करा रही है, कुछ दिन आप विश्राम करिए, जितना भी समय माँ गंगा देंगी उनको, तो इस बीच में तो ये सौभाग्यशाली दिन है। और हनुमान जी महाराज जो कोतवाल हैं प्रयागराज के, उनकी सेवा में स्वयं माँ भगवती गंगा आई हुई, तो ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है। कहा जाता है कि जिस वर्ष यहाँ माँ भगवती गंगा आती है, विश्व कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है, और खासकर महामारी जैसी जो बाधाएं होती हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, ये सब बाधाएं दूर होती है। इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है, और हमारे लिए तो श्रेष्ठ दिन इसलिए कि माँ भगवती ने ये दिन चुना है। जन्माष्टमी का शुभ अवसर आया हुआ है, और हनुमान जी महाराज तो भगवान रामलला कृष्ण लला के तो भक्त हैं, अनन्य पुत्र हैं। तो मैं तो कहूँगा ये सभी के लिए हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है।